हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे वर्किंग ऑफ एयर वेसल्स इन रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। बहुत बार जीटीयू के अंदर ये पूछी गई है। सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ एयर वेसल इन रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज एयर वेसल। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पे कोई एक ऐसा वेसल ले लो। ठीक है, सो दिस इज द वेसल लाइक दिस। ये कोई वेसल है। अब इस वेसल के अंदर अगर मैं एयर फिल करा दूं, क्या फिल करा दिया? एयर को फिल करा, तो ये वेसल क्या हो जाएगा? एयर वेसल। ठीक है, इसको एयर वेसल है। अब मान लो कि यहां पे मैं वाटर को, अब यहां पे एयर भरी हुई इस वेसल के अंदर, मैं इसमें वाटर को फिल कराऊ, क्या कराऊ? वाटर को फिल कराऊ। अब जैसे ही वाटर अंदर आएगा तो एयर मॉलिक्यूल्स गायब तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन क्या करेगा? वाटर अंदर आएगा तो ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स है उसको क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। तो जैसे इस वेसल्स के अंदर वाटर आता है तो अब एयर के मॉलिक्यूल्स जो बहुत ही जगह रोक रहे थे, अब क्या हो जाएगा? एक जगह पे सिकुड़ जाएंगे। सो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उसका क्या हो जाएगा? कंप्रेसर। बाकी की जगह पे क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सो वाटर। तो ये देख रहा हूं वाटर से भर गया पूरा का पूरा, और बाकी का जो ऊपर एयर थे वो कहां पे चला गया? टॉप पे चला गया। सो अभी क्या करा? वाटर ने एयर के ऊपर फोर्स लगाया। ठीक है, सो एयर क्या हो गई? कंप्रेस हो गई। अब मान लो कि यहां पे ऐसा कुछ होता है कि यहां पे जो वाटर भरा हुआ है उसमें से मान लो कि यहां पे थोड़ा सा, ये वाटर हमने कहां पे कहीं से भेजा हुआ था, मान लो कि इस पाइप से भेजा हुआ था। ठीक है, ये पाइप है, यहां से हमने ये वाटर अंदर भेजा था, यहां से हमने इसको फिल करा वाटर को, वाटर अंदर आया और यहां पे जो एयर मॉलिक्यूल से उसको कंप्रेस किया, इसलिए एयर मॉलिक्यूल ऊपर चले गए और ये वाटर का लेवल रहा। अब मान लो कि मैं यहां से आके, यहां से थोड़ा पानी, यहां पे कोई कौवा आया, मान लो कौवा आ गया, कोई भी और चीज आ गई, यहां पे कौवा एक स्ट्रॉ रखा हुआ है और कौवा आके थोड़ा सा पानी पी गया, तो इतना लेवल क्या हो गया? कम हो गया। अब ये लेवल कम हो गया तो क्या होगा कि ये जो एयर है ना वो वाटर के ऊपर क्या लगा है? क्योंकि अब जो वाटर अभी तक क्या था? एयर के ऊपर प्रेशर लगा। जैसे ही यहां पे वाटर कम हो तो अब एयर कौन से किस, क्योंकि वो कंप्रेस था तो अभी एयर को मौका मिल गया वाटर के ऊपर कंप्रेस करने का। सो एयर क्या करेगा? वाटर के ऊपर कंप्रेस। तो ये वाटर है ना वो कहां पे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर कि ये तो ठीक है कि वाटर तो वैसे भी आने वाला था, क्योंकि यहां पे पानी कम कर दो वाटर आ जाएगा, लेकिन उस स्पीड से नहीं आने का आएगा जो स्पीड से वो आना चाहिए। तो कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेसर का फायदा होता है कि वो फटाफट यहां पे ऐसे भेजता है। वैसे पानी तो आप यहां पे ऐसे रख दो तो पानी आने ही वाला है। ठीक है, अगर मैंने यहां से पानी कम कर दिया पानी आएगा ही, लेकिन ये जो एयर होगी वो कंप्रेसर क्या लगती है? उस पर एडिशनल फोर्स लगाती है ताकि वो जल्दी से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फटाफट पानी का जो लेवल है वो आ जाए। यानी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे पानी कम ही नहीं हुआ है। ठीक है, वरना ऐसे ही अंडर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो आ ही सकता है, लेकिन कंप्रेसर का फायदा वो होगा कि वो फटाफट वो यहां से पहुंचा देगी। तो ये सिंपली एयर वेसल हुआ। इस तरीके से एयर वेसल्स होती है। अब इसको समझते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के थ्रू। किसका रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या इस्तेमाल होता है? तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं, ये पूरा आप देख रहे हो वाटर लेवल लगाया हुआ है यहां पे, ये पूरा वाटर है, इसको मैं सम बोलूंगा, ये वाटर का लेवल है जिसको मैं सम्प लेवल बोलता हूं। फिर ये रेसिप्रोकेटिंग पंप लगाया हुआ है, दिस इज पिस्टन रोड, यहाँ ये वाटर है, ये सक्शन पाइप है। सो क्या होगा? यहां से सक्शन होगा वाटर का, वाटर एंटर होगा, पिस्टन उसको कंप्रेस करेगा और डिलीवरी पाइप से बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज डिस्चार्ज पाइप। सो आप एक चीज यहां पे देखो कि ये जो सक्शन पाइप है वहां पे भी मैंने एक वेसल लगाया हुआ है, और ये डिस्चार्ज पाइप है वहां पे भी मैंने क्या लगाया हुआ है? एक एयर वेसल लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो दिस इज द एयर वेसल, टॉप मोस्ट पार्ट में एयर है, नीचे वाटर है, और टॉप मोस्ट पार्ट में एयर है, नीचे वाटर है। ठीक है, तो अभी वाटर ने एयर को कंप्रेस करके रखा हुआ है। सो दिस इज द सक्शन पाइप में एक एयर वेसल और डिस्चार्ज पाइप में एक वेसल। तो अभी एयर वेसल इसको रखते क्यों है? तो सबसे पहले इसका फंक्शन समझ लेते हैं। द फंक्शन ऑफ एयर वेसल्स इन रेसिप्रोकेटिंग पंप इज टू गेट यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ लिक्विड इन सक्शन एंड डिलीवरी पाइप। यानी ये सक्शन पाइप में ये वाटर का जो फ्लो इस यहां पे सिलेंडर के अंदर जाएगा, वो वाटर का फ्लो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस भी होना चाहिए, यानी कंटिन्यूस आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पहले मान लो कि मैं टोटल 6 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन है, सो 1-2-3 सेकंड पानी आया, फिर 4 सेकंड्स पे नहीं आया कुछ पानी, और फिर 5 सेकंड्स में आया तो रुक रुक के आया, 4 सेकंड्स पे नहीं आया, 5-6 सेकंड आया, तो इट इज नॉट कंटिन्यूस। अगर 1-2-3-4-5-6 सेकंड्स कंटिन्यूस पानी आता है तो उसको कंटिन्यूस किया जाता है। अब आता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं? तो मान लो कि ऐसा हुआ कि 1-2-3 सेकंड है ना वाटर क्वांटिटी ज्यादा थी, फिर 4-5-6 वाटर की क्वांटिटी कम हो गई, तो ये क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि इट इज नॉट यूनिफॉर्म। जिस क्वांटिटी से आना चाहिए उस क्वांटिटी से वो आया नहीं। ठीक है, पहले ज्यादा आया फिर कम आया, सो इट इज नॉट यूनिफॉर्म। सो इट शुड बी यूनिफॉर्म
एंड इट शुड बी कंटिन्यूस. सो यहाँ पे सक्शन में जो यहां से सक्शन पाइप से जो वाटर सिलेंडर के अंदर जाना चाहिए वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होना चाहिए. उसी तरीके से ये डिलीवरी पाइप में से जो वाटर बाहर निकलना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस होना चाहिए. सो इन यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस, आउट यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस. तो इस दोनों चीज को मेंटेन करता है यहां पे एयर वेसल्स जो रखे हुए. यहां पे जो सक्शन पाइप वाला एयर वेसल है वो सक्शन पाइप में जो वाटर आएगा उसको यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस मेंटेन करेगा, और डिस्चार्ज पाइप में जो वाटर निकलने वाला है, जो डिस्चार्ज पाइप में से जो वाटर बाहर निकलेगा उसको कौन, उसके फ्लो को कौन मेंटेन करेगा यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस, ये डिस्चार्ज पाइप वाला एयर वेसल्स कैसे करेगा इसको समझाते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सक्शन स्ट्रोक लगता है वो 0 to 180 डिग्री में सक्शन होता है. सो इनर टू आउटर, 0 to 180 की सक्शन, फिर आउटर टू इनर. सो 180 to 360 क्या होता है, डिस्चार्ज होता है. ठीक है, तो देखो अब ये जो सक्शन स्ट्रोक 0 to 180 डिग्री है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं. पहले आता है 0 to 90 डिग्री और उसको सेकंड को मैं करूंगा 90 to 180 डिग्री. तो हमें इस तरीके से हमें पता है. ठीक है, जब पिस्टन यहां पे हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, 0 degree. जब पिस्टन बीच में हो तो मैं क्या बोलूंगा, 90 degree. पिस्टन कहां पे मूव कर रहा है, यहां पे मूव कर रहा है. ठीक है, और पिस्टन जब यहां पे लास्ट में आ जाएगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, 180 degree. ठीक है, तो मैं इसके दो पार्ट में डिवाइड किया, पहले मैं ले रहा हूं 0 to 90 degree और फिर ले रहा हूं मैं 90 to 80 degree. ठीक है, सक्शन स्ट्रोकों में दो पार्ट में 0 to 90 degree एंड 90 to 180 degree. सो 0 to 90 degree को मैं फर्स्ट हाफ बोल रहा हूं और 90 degree to 180 degree को मैं सेकंड हाफ बोल रहा हूं. अब देखो मैं क्यों ऐसा समझाऊं, अब जैसे ही ये पिस्टन जब इस तरफ पीछे घूमना शुरू करेगा 0 to 180 degree तरफ जाएगा तब सक्शन स्ट्रोक लगता है, हमें ये पता है. तो जब 0 to 90 degree, अब देखो पिस्टन की स्पीड जो टोटल स्पीड है 0 to 180 degree वैसे भाग रहा है, तो जो 0 to 90 degree यानी जो फर्स्ट हाफ में जो पिस्टन सीट जिस स्पीड से वो पीछे हटेगा ना वो सबसे ज्यादा होगी. क्यों होगी सबसे ज्यादा, इसको इस तरीके से समझो, आप कुछ रेस लगाने खड़े हो, आपको 180 मीटर दौड़ना है. सो आपके जो फर्स्ट 90 मीटर स्पीड होगी ना वो आपकी क्या होगी, मैक्स होगी. क्या होगी, मैक्स होगी. फॉर 90 to 80 degree मैं नहीं बोल रहा हूं स्पीड कम हो जाएगी, पर कंपेरेटिवली जो आपने इनिशियली जो आपकी स्पीड थी उसकी कंपेरेटिवली में क्या होगी, वो कम होगी. तो उसी तरीके से 0 to 90 degree जिस स्पीड से पिस्टन पीछे हटेगा ना वो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी. तो 0 to 90 degree में पिस्टन की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती. तो पिस्टन में क्या बोल रहा हूं, पिस्टन इज एक्सेलरेटिंग, ऐसा बोल सकते हो. तो पिस्टन अब एक्सेलरेटिंग होगा तो उसका मतलब क्या होगा, जैसा ही पिस्टन जिस स्पीड से पीछे हटेगा तो ये क्या होगा, वाटर भी फटाफट क्या आएगा, अंदर आएगा. वाटर क्या आएगा, फटाफट अंदर आएगा. देखो अभी ये जो वाटर की स्पीड है ना, हमें किस स्पीड को मेंटेन करना है, मीन स्पीड को. सो मीन वेलोसिटी ऑफ वाटर शुड बी मेंटेन एज पर द फंक्शन ऑफ एयर वेसल. अब होगा क्या कि 0 to 90 degree अगर पिस्टन एक्सेलरेट कर रहा है, वो स्पीड से पीछे जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर जो आपकी होगी वो मीन वेलोसिटी से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. तो फटाफट वाटर अंदर आ जाएगा, फटाफट वाटर अंदर आएगा. तो होगा क्या कि ये जो दूसरा वाटर है ना वो तो मीन वेलोसिटी से आ रहा है नीचे, तो उससे पहले ये ऊपर वाला वाटर तो ऊपर पहुंच जाए. तो अब बीच में एक स्लोट आएगा कि उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब बाकी का वाटर फिर से यहां पे आए. तो ऐसा वेट ना करना पड़े, वाटर में फ्लक्चुएशन ना आए और वाटर कंटिन्यूस का उसका फ्लो, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो जब दूसरा वाटर आने में थोड़ा टाइम लगे तब तक फ्लो कंटिन्यू और यूनिफॉर्म. इसलिए यहां पे जो एडिशनल वाटर एयर वेसल्स में था ना वो कहां पे चला जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा. तो जो वाटर में फ्लक्चुएशन आएगा वो उसको ये पूरा कर देगा. तो क्या होगा कि जब 0 टू 90 डिग्री वेलोसिटी पिस्टन की स्पीड पीछे ज्यादा जा रही है, जिस स्पीड से पीछे जा रहा है तो फटाफट वाटर ऊपर आ रहा है. तो क्या होगा कि ऐसा होगा 1 to 3 seconds वाटर आ गया, फिर 4 seconds में वाटर नहीं आएगा, फिर उसको टाइम लगेगा 5-6 seconds पे आएगा. तो जब वाटर 4 seconds में नहीं आएगा तो वो क्या होगा, फ्लक्चुएशन हो जाएगा, फिर फ्लो आपका कंटिन्यू यूनिफॉर्म नहीं रहेगा. तो ऐसा ना हो इसलिए ये एयर वेसल्स क्या करेगा कि उस पे पास जो एडिशनल वाटर यहां पे फिल किया वो यहां पे जुड़ जाएगा और वाटर की कमी को वो महसूस नहीं होने देगा और आपका फ्लो क्या हो जाएगा, एयर वेसल में से वाटर डिलीवर होकर आपका जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस रहेगा. ठीक है, तब तक ये नीचे वाला वाटर कहां पे आ गया होगा, ऊपर आ गया होगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये एयर वेसल में से वाटर सप्लाई होगा कि अभी क्या हो रहा है कि वेलोसिटी, अपनी जो वेलोसिटी ऑफ वाटर थी क्या वो मीन स्पीड से ज्यादा थी, मीन वेलोसिटी ऑफ वाटर से. तो एयर वेसल्स क्या करेगा, एडिशनल वाटर सप्लाई करके अपनी जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है उसको मीन वेलोसिटी पे बरकरार रखेगा. ठीक है, सो इस तरीके से काम करेगा. अब सोचते 90 to 180 degree यानी सेकेंड हाफ, अब पिस्टन कहां जाएगा 90 to 180 degree, तो मैंने बोला 0 to 90 वो फास्ट दौड़ेगा, पर कंपेरेटिवली 90 to 180 degree उसकी 0 to 90 कितनी स्पीड होगी, उससे कम होगी. सो 90 to 180 degree उसकी थोड़ी स्पीड कम हो रही है. सो उसकी स्पीड कम हो रही है तो क्या हो रहा है, पिस्टन का रिटार्डेशन, क्या हो रहा है, रिटार्डेशन. तो होगा क्या, वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. किसके कंपेरिजन में, ए कंपेरिजन में वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी लेस देन द मीन वेलोसिटी ऑफ वाटर.
उसका मतलब क्या हो गया कि वोटर, अब देखो पिस्टन्स धीरे धीरे पीछे हट रहा है पर वोटर फटाफट बाहर आ रहा है, तो यहां पे क्या होगा, अचानक से यहां पे वोटर ज्यादा सिमट जाएगा, ठीक है। तो जो अगर अचानक, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वोटर क्या होगी, अभी देखो वेलोसिटी ऑफ वोटर ये हो गई है यहां पे कि अभी क्या होगा, अगर मीन वे देखो पिस्टन पीछे हट गया तो पिस्टन का रिटार्डेशन हो गया, अब पिस्टन का रिटार्डेशन हो गया सो यहां पे जो आपका वेलोसिटी ऑफ वोटर था, यहां पे जो आपका वेलोसिटी ऑफ वोटर था जो क्या हो गया, मीन वेलोसिटी से भी क्या हो गया, मीन वेलोसिटी से कम हो गया, यानी आपकी मीन वेलोसिटी बढ़ गई, ऐसा समझो आपको मीन वेलोसिटी अभी इस जहां पे वेलोसिटी वाटर है वो मीन वेलोसिटी, यानी आपकी ये वाटर की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहां पे पीछे कम रहा है तो ये वेलोसिटी ऑफ वाटर एंटरिंग इज लेस देन दी मीन वेलोसिटी ऑफ वाटर, यानी मीन वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, ज्यादा। उसका मतलब क्या होगा कि यहां से फटाफट वाटर ऊपर आएगा, अब देख फटाफट वाटर ऊपर आएगा तो पिस्टन उस हिसाब से तो पीछे हट नहीं रहा है, तो इतनी वाटर की रिक्वायरमेंट तो यहां पे है नहीं, तो फिर जो ज्यादा वाटर आएगा उसका क्या करेंगे, अगर ज्यादा वाटर यहां पे आ जाएगा तो आपका जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यू नहीं होगा, फिर वो आपका रिक्वायरमेंट टूट जाएगा, तो जो ज्यादा फ्लो आ रहा है फटाफट वो फ्लो आएगा वो कहां पे घुस जाएगा, क्योंकि एयर वेसल्स तो ब्लैंक हो गया था फर्स्ट हाफ में, तो सेकंड हाफ में जो एडिशनल वाटर आएगा वो कहां पे फिल कर देगा, एयर वेसल्स में फिल होगा, इसलिए आपका जो यहां पे वाटर एंटर होगा वो यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस होगा। सो फर्स्ट 0 to 90 degree आपका एयर वेसल्स है वो एम्प्टी होगा, और 90 to 180 degree वो क्या होगा, एयर वेसल्स फिल होगा, फिर अगेन जब से सक्शन स्ट्रोक लगेगा तो फिर से ये जो एयर वेसल्स फिल होगा फिर से यहां पे वाटर खाली होगा, एंड अगेन ये प्रोसेस रिपीट होते जाएंगे। सिमिलरली हम जाते हैं डिस्चार्ज पाइप की ओर, ठीक है। सो डिस्चार्ज पाइप में भी हमें पता है डिस्चार्ज प्रोसेस कहां से होता है, 180 to 360 degree, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, 180 to 270 एंड 270 to 360। सो अब 180 to 270 यानी आप इस तरीके से आ रहे हो लाइक दिस, एंड 270 to 360 यानी आप इस तरीके से, ठीक है। सो यू आर फ्रॉम आउटर डेथ सेंटर टू इनर डेथ सेंटर, इस तरीके से आप वापस आ रहे हैं, तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ यानी 180 to 270 पिस्टन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी, तो पिस्टन एक्सेलरेशन कर रहा होगा, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी, ये पिस्टन जितना स्पीड से ज्यादा जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ वॉटर इज ग्रेटर देन दी मीन वेलोसिटी ऑफ वॉटर, यहां पे जो वाटर की वेलोसिटी होगी उससे ज्यादा होगी, यहां पे जो वाटर की वेलोसिटी क्या होगा, वो फटाफट बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, क्या करेगा फटाफट, तो यहां पे अगर फटाफट वाटर बाहर निकलेगा एक साथ ज्यादा फ्लो हो जाएगा यहां पे, तो यहां पे यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि ये ज्यादा फटाफट जो ये फ्लो बाहर निकल रहा है ना, ये फटाफट फ्लो, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा फ्लो निकल रहा है एकदम, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो रहेगा, तो आपको जो ज्यादा वाटर जो जा रहा है बाहर तो उसमें से क्या करेंगे, इसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूस करने के लिए, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ऐसा होगा कि ये जो एयर है ना उस वक्त क्या होगा, एम्प्टी होगा, क्या होगा, एम्प्टी होगा, तो यहां पे एयर भरा हो तो क्या होगा, एडिशनल वाटर वो कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, एयर वेसल्स के अंदर फिल हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये होगा कि यहां पे जो आपका फ्लो होगा वो यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस होगा। उसी तरीके से 270 to 360 degree, अब 270 टू 360 क्या होगा, रिटार्डेशन यानी पिस्टन की स्पीड कम हो जाएगी, पिस्टन की स्पीड कम हो जाएगी तो वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, लेस देन मीन वेलोसिटी, उसका मतलब क्या होगा कि यहां पे वाटर की वेलोसिटी बढ़िया है लेकिन यहां पे जो वाटर बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड कम है, तो उसका मतलब क्या होगा, यहां पे अभी जिस स्पीड से बाहर निकल रहा है स्पीड से तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे पानी की कमी महसूस होगी, क्या होगी, पानी की कमी महसूस होगी, तो इसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूस रखना है तो क्या होगा कि यहां पे जो एडिशनल वाटर है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिलीज, तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही पानी की कमी होगी तो यहां पे एयर जो होगी वो कंप्रेस्ड एयर होगी, वो वाटर पे धक्का लगेगी और एडिशनल वाटर क्या हो जाएगा, यहां पे सप्लाई हो जाएगा, इसलिए यहां पे भी यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस फ्लो रहेगा। सो क्या होगा, डिस्चार्ज प्रोसेस में 180 to 270 एयर वेसल्स फिल होता है और 270 to 360 क्या होता है, एयर वेसल्स एम्प्टी होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा, इसको समझ में आए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।